हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वबीना नेटिंग। आप देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा दो रंग का ये पैटर्न लेकर आई हूँ और इसे आप बच्चों के स्वेटर में, जेंट स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, कैप में, शॉल में, स्टॉल में, किसी में भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, बहुत अच्छा लगता है, उभरा उभरा आता है। देखिएगा इस तरह से, ये इसका राइट साइड है और ये देखिएगा रॉन्ग साइड है। तो ये पैटर्न बहुत ही सुंदर सा है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ दो सिलाई का हमारा ये बुनाई का डिजाइन है, दो सिलाई में कंप्लीट होगा। यहाँ पर मैंने इसको दो कलर में बनाया, आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में बना सकते हैं या फिर आप इसको एक कलर में भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद आता है। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आप दो कलर में बना रहे हैं तब आपको यहाँ पर लॉन्ग साइड से इसमें कलर चेंज करना है, और अगर आप एक रंग में बना रहे हैं तो एक रंग में बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें टू के मल्टीपल से फंदे रखने हैं, यानी कि इवन नंबर में फंदे रखेंगे। कोई भी फंदा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसके फंदे रखने हैं और सिर्फ दो सिलाई में पैटर्न को बनाएंगे। पैटर्न हमारा राइट साइड से शुरू होगा और इसके लिए हमने यहाँ पर 10 नंबर की नीडल ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस पैटर्न को बनाना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में पहला आइकन का बटन है, उसे प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करेंगे और इस पैटर्न को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने टोटल यहाँ पर 12 फंदे लिए हैं। आप ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ से ये हमने रॉन्ग साइड से फंदे डाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से देखिएगा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से देखिएगा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। लास्ट में देखिएगा, दो फंदे हैं, इन्हें दोनों फंदों को हम उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिएगा, तो इस तरह से देखिएगा, ये रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है, ये हमारी बेस रो थी। अब यहाँ से फर्स्ट रो बनाएंगे। देखिएगा, एक फंदा एज स्टिच का हम सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये देखिएगा, इस एक फंदे के बाद यहाँ से नीडल को देखिएगा इस तरह से निकालते हुए एक फंदा बना लेंगे, और ये वाला फंदा ऐसे ही सामने से हम इसको भी बुन लेंगे सीधा। तो ये एक फंदे में से देखिएगा, दो फंदे बन गए हमारे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो यही दो फंदों का पैटर्न फिर से रिपीट करेंगे। देखिएगा, यहाँ से एक फंदा बनाएंगे फंदे के बाद, और इस फंदे को सामने से सीधा बना देंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर से देखिएगा, फंदे के बाद यहाँ से नीडल को निकालते हुए एक फंदा बनाएंगे और सामने से इस फंदे को बना लेंगे सीधा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर से देखिएगा, यहाँ से एक फंदा बनाएंगे और सामने से एक फंदा इसको बुन लेंगे फंदे को, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर से देखिए, यहाँ से फंदे के बाद नीडल को निकालते एक फंदा बनाएंगे, उसको सामने से सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। तो यहाँ से देखिए, अगर हम एक कलर में बना रहे हैं तो यहीं से अपने पैटर्न को बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको दो कलर में बना रही हूँ, तो देखिएगा यहाँ से हम इसमें कलर को ऐड करेंगे। ध्यान से देखना है आपको। अब यहाँ से पहला फंदा हमारा उल्टा है एज स्टिच का, इसको उल्टा ही बना लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब धागा अपने साइड लाएंगे और यहाँ से देखिएगा, ये देखिएगा, यहाँ से दो फंदों का एक करेंगे, यानी कि ये जो हमने इधर एक साइड में एक फंदा बढ़ाया था, यहाँ से दो का एक कर देंगे। तो यही दो फंदे का डिजाइन फिर से रिपीट करेंगे। देखिएगा, एक फंदा सीधा बनाएंगे और यहाँ से दो फंदों का एक करेंगे, ये देखिएगा, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और दो फंदों का एक कर देंगे, लास्ट का फंदा उल्टा ही बना लेंगे। तो अब देखिएगा, फिर से हमें फर्स्ट से सेकंड रो को रिपीट करना है। देखिएगा,
एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहां से फंदे के बाद यहां पर नीडल को निकाल दे, एक फंदा बनाएंगे और इस फंदे को सामने से सीधा बना लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो यही दो फंदे का डिजाइन रिपीट करेंगे। फंदे के बाद एक फंदा बनाएंगे और सामने से इस फंदे को सीधा बना लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये देखिएगा, यहाँ से फंदा बनाएंगे और इस फंदे को सामने से सीधा बनाएंगे। अब एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से देखिएगा, यहाँ से एक फंदा बना लेंगे और इस फंदे को सामने से सीधा बुनेंगे। तो पूरी सिलाई में हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है। लास्ट में हमारे पास दो फंदे बचेंगे, तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब उल्टी सिलाई में फिर से हमें कलर को चेंज कर देना है यहाँ से, ये देखिएगा, और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपने साइड लाएंगे और ये दो फंदों का एक कर देंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से देखिएगा, हमारा यही दो दो सिलाई का पैटर्न बनेगा। और जब हम इसी पैटर्न को देखिएगा बनाएंगे, दो दो सिलाइयों को रिपीट करेंगे, तो हमारा पैटर्न देखिएगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा और उबरा उबरा सा और आसान सा पैटर्न है। इसको बिगेनर्स भी इजीली बना सकते हैं। अगर आप लोग सीधा उल्टा बनाना जानते हैं तो आप इस पैटर्न को आराम से बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।